तो ये है हमारा कॉलेज। तो देखो आज ना हम बहुत समय बाद हमारे कॉलेज आए, पर हम कॉलेज क्यों आए हैं? तो आज हमारे कॉलेज आने का जो मेन रीज़न है वो है आप लोग, क्योंकि अभी कुछ समय बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और हर कोई चाहता है कि उसको उसके नंबर के बेस पे एक अच्छा कॉलेज मिले। अच्छा वो कई मायने में हो सकता है। फिलहाल जो हम आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं या हम देखने वाले हैं वो है हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो दिखने में कैसा है। क्योंकि कॉलेज आने से पहले ना हम लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कॉलेज कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, कैसा क्या होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम फ़ोटोज़ से देख लेते हैं, बट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में मेरे हिसाब से कुछ तो अंतर होता है। तो वो अंतर को हम लोग ख़त्म करते हैं। चलो सबसे पहले हम अपने कॉलेज के दर्शन करते हैं। अब बारी आती है कॉलेज के बारे में थोड़ा जानने की। तो देखो हमारे कॉलेज का नाम पता ही होगा, मैं बता देता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप। अवधपुरी कानपुर इसका लोकेशन है। लोग पता क्या सोचते हैं कि इसके नाम के लास्ट में हैंडीकैप्ड है तो ये कॉलेज सिर्फ हैंडीकैप लोगों के लिए होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कॉलेज सिर्फ हैंडीकैप लोगों के लिए नहीं है। हैंडीकैप लोग पढ़ते हैं वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं और बीटेक की डिग्री भी कर सकते हैं, बट जो हमारा कॉलेज है वो जो स्टूडेंट को या बच्चों को जब एडमिशन के थ्रू लेता है तो वो फिज़िकली फिट को भी लेता है। और बस ये है कि जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनका हाँ कुछ उनको थोड़ा छूट मिलती है बाकी फिज़िकली फिट लोगों के कंपेयर में, बाकी सब कुछ सही है। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो है ब्रांचेस, कि हमारे कॉलेज में टोटल कितनी ब्रांचेस हैं और अभी क्या क्या चल रहा है। तो देखो हमारे जो कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था मतलब लास्ट ईयर, मैं भी सेकंड ईयर में आने वाला हूँ, तो जो लास्ट ईयर मैंने एडमिशन लिया था तो उसमें हमारे टाइम पे थी टोटल 5 ब्रांचेस, जिसमें CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर हमारी आती केमिकल, फिर आती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। 60-60 बच्चों की जो स्ट्रेंथ आती है वो हर ब्रांच में आती है। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि हमारी जो ब्रांच में मतलब हमारे कॉलेज में CS ब्रांच में 60 बच्चे जो पहले आ रहे थे वो तो आएंगे, प्लस उसमें 60 बच्चे और आ गए, मतलब टोटल इस बार जो CS की स्ट्रेंथ है वो है 120 स्टूडेंट। और हमारे कॉलेज में इस बार AI/ML भी जुड़ गई है, जिसके साथ फ़िलहाल हमारे कॉलेज में टोटल 6 ब्रांचेस हो गई हैं, CS, AI/ML, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सिलसिला तो रहा हमारे यहाँ ब्रांचेस का। और इस बार उम्मीद है कि मतलब जो एवरेज रैंक पर भी अच्छी ब्रांचेस मिल सकती हैं, क्योंकि पर ब्रांच स्टूडेंट बढ़े हैं तो शायद।
तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं जिसके लिए हर स्टूडेंट इंजीनियरिंग को चुनता है, वो है प्लेसमेंट्स। तो देखो हमारे कॉलेज में आप पीछे देख रहे होगे स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर, तो इसके अंडर में क्या होता है कि हमारे अगर कोई स्टार्टअप का आइडिया है तो हम वहाँ बता सकते हैं और उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं काफ़ी हद तक। आप मेरे एक वीडियो बना रखी है प्लेसमेंट्स के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। 1.02 करोड़ का एक सर का गया था, हालांकि सबका इतना नहीं जा सकता या नहीं जा पाता है, बट गया तो है। हमारे कॉलेज के थ्रू नहीं गया, ऑफ कैंपस गया, बट अच्छा ही है। तो आप एक बार वो जो वीडियो मैंने बताई मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेकआउट कर लेना और उसके बाद में आप डिसाइड करना कि आपको ये कॉलेज लेना चाहिए या नहीं। तो अब बारी आती है हॉस्टल की और कॉलेज के फ़ीस की। तो देखो कॉलेज की जो फ़ीस है वो है 71,000, जिसमें आपने 20,000 तो पे कर ही देंगे काउंसलिंग के टाइम, और जो आपकी बची हुई 50,000 होगी वो आपको एडमिशन के टाइम पे लाना पड़ेगा। जब आप आएंगे फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए तब आपको वहाँ पे करनी होगी, फिर आपका एडमिशन पूरा हो जाएगा। तो ये तो कॉलेज की फ़ीस है। और इसके साथ में जब आपके एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, उससे पहले आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं एग्ज़ाम वगैरह के, तो उसमें आपको 8,000 एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो टोटल लगभग 80,000 हम मान लेते हैं हमारे कॉलेज की पर ईयर की फ़ीस होगी, जो कि बाकी कॉलेजेस के कंपेयर में देखें तो सही है। अब बारी आती है हॉस्टल की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे, ऐसा है ना, मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट को देखा है या मैं खुद ही हूँ, तो वो ना हम लोग जब मेरी काउंसलिंग नहीं हुई थी या जब मुझे कॉलेज नहीं मिला था तो मैं माइंड में एक बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं कॉलेज जाऊंगा, मेरे को हॉस्टल मिलेगा, मैं हॉस्टल में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, दोस्त बनाऊंगा, खूब मस्ती करूंगा। बट मैं जब कॉलेज आया तो मेरी वो सारी एक्सपेक्टेशन ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर लिया था कॉलेज को लेके। क्योंकि हम लोग माइंड में चलाते हैं IIT NIT का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्टेट कॉलेजेस अलग होते हैं। तो बात कर लेते हैं हॉस्टल की। तो हॉस्टल हमारे कॉलेज में नहीं है, साफ बात, हमारा कॉलेज के अंदर कैंपस के अंदर हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल है वो हमारे यहाँ से कैंपस से 3.5 किलोमीटर दूर है, 3.3 km शायद गूगल दिखाता है, उतनी किलोमीटर दूर है। वो एक प्राइवेट हॉस्टल है और वो हॉस्टल हमारे कॉलेज के ही थ्रू चलता है, मतलब कॉलेज ही अपने बच्चों को देता है वहाँ पे, और कोई नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो मेन पॉइंट है, वो हॉस्टल आपको सिर्फ 2 सेमेस्टर या यूँ कह लो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा। उसके बाद सेकंड ईयर से थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आपको खुद फ्लैट लेके या फिर रूम लेके रहना पड़ेगा। उसके बाद में कॉलेज कुछ आपको नहीं देखता है कि आप कहाँ रहोगे कहाँ नहीं, आपको खुद देखना है। गर्ल्स की बात कर लें तो गर्ल्स के लिए कॉलेज है कैंपस के अंदर, कैंपस के अंदर ही थोड़ा दूर है। फर्स्ट ईयर के लिए पहले था कि फर्स्ट ईयर वाली गर्ल्स रहेंगी, उनके लिए भी सेम था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से आपको बाहर रहना। बट इस बार एक नया हॉस्टल भी बन गया तो शायद सेकंड ईयर वालों को भी दे दें। तो हॉस्टल तो गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बॉयज़ को प्रॉब्लम होने वाली है। भाई देखो अपन लड़के हैं, अपने के साथ यही होता है, क्या ही करें, लेकिन अगर पढ़ना है तो सारी चीज़ें होती हैं। मैं सच बताऊँ ना अपने एक्सपीरियंस से, तो बाहर रहने में मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है हॉस्टल कंपेयर में। देखो हॉस्टल में रहते हैं, मैस का खाना है, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि सबको पता ही है भाई मैस का पैसा ज़रूर देते हैं हम, लेकिन खाते नहीं हैं वहाँ पे, हम मतलब कम ही खाते हैं, बाहर ही खाना रहता है। और दूसरी बात है, एक और पॉइंट था कि अगर हमारा हॉस्टल दूर है और हम अगर कॉलेज आ रहे हैं तो खाना तो हमको वही मिलेगा, मैस भी है ना वहाँ पे, तो हम अगर कॉलेज आ रहे हैं तो दोपहर का लंच कहाँ मिलेगा? क्या हमें वो 3.3 किलोमीटर दूर जाके हमें लंच करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो। तो देखो बात यह है, तो क्योंकि ऐसा है कि हमारा जो कॉलेज है वो ऐसा कहता है कि अगर बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कॉलेज चल रहा है तो जो लंच है वो बच्चों को कॉलेज में ही दिया जाएगा, बाकी ब्रेकफास्ट और डिनर वो हॉस्टल में मिलेगा। तो ये अच्छी बात है भाई, दोबारा इतनी दूर करने नहीं जाना पड़ेगा, और जो बच्चे बाहर रहते हैं उनको शायद जाना पड़े या टिफ़िन लगाना पड़े, और ईज़िली यहाँ टिफ़िन मिल जाता है, 40 से 50 रुपये में टिफ़िन मिल जाता है जितना मैंने सुना है, मैंने लगवाया नहीं है बट सुना है इतने में मिल जाता है, अच्छा, और पेट भर जाता है एक टाइम का। तो यहाँ पे प्राइवेट मैस भी हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं। तो हॉस्टल की बात तो हो गई, फ़ीस की बात भी हो गई, और अब कर लेता हूँ देखो कॉलेज। देखो मुझे लगता है ना मैंने कॉलेज के बारे में जितना था बता दिया, और बाकी जो कुछ और जानना होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आप पूछते रहना कि भैया क्या है ऐसा वैसा, मैं वैसा बताता रहूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो बात तो कॉलेज के बारे में बहुत कर ली, अब करता हूँ मैं थोड़ी अपने बारे में बात। तो देखो मेरा नाम तो यूट्यूब से पता ही लग गया होगा, अमित गंगवार। तो मैं यहाँ इस कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, और मैंने लास्ट ईयर यहाँ एडमिशन लिया,
तो अभी मैं सेकंड ईयर में आने वाला हूँ। ये है मेरा ब्लॉग चैनल, यहाँ पे मैं अपने डेली ब्लॉग्स या जो भी है, डेली तो नहीं आते हैं फिलहाल, काफ़ी एक हफ्ते दो हफ्ते बाद आते हैं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप वीडियोस को देखें और इन्जॉय करें, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी आती रहेंगी, कॉलेज से रिलेटेड भी रहेंगी, मेरी लाइफ से रिलेटेड भी रहेंगी, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ हम घूमने जाएंगे, तो वो सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो और बेल आइकन भी दबा देना हो सके तो, अपना प्यार दो वीडियोस पे और चैनल पे। और हाँ, सबसे मेन बात, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, क्योंकि आप कॉलेज में आने वाली हो, आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। स्कूल तक तो हमारा माइंड बस रहता है बच्चों की तरह है, मैं कॉलेज में आने के बाद ना बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कहीं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार और टाटा। सब्सक्राइब कर देना भाई, मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन कुछ मिलता नहीं है, तो